Subscribe to my channel Searching the Knowledge and hit the bell icon to get the videos notifications. Hello friends, IGNOU and ODIA medium available nahi, kebal English medium and Hindi medium available karauchi. Kintu amar jo ODIA University, Odisha State Open University, OSOU and DDCE rauchi. Semane ebe ODIA medium available karauchanti, to OSU jore jo mane koriyo chaunchanti ODIA medium re kimba ODIA honors nei koriyo chaunchanti. OSU sabu course re ODIA medium available karau na, kichi specific course achi jota ki karauchi. Specific course re korao nahi to video to end jae dekhantu OSU ra focus karike mu IGNOU aur DDCE ko compare karike pura detail information ei video re apanu milibo video to end jae dekhantu jo mane OSU re koriyo chaunchu OSOU sambalpur re tar headquarter rochi aur tar regional center chari jaga rochi aur tar study center hela 51 ti ta website gala pura apan dekhi paribe je apan pakha anchal re study center kothi rochi aur regional center kothi rochi apan nije check kar paribe ta pare seti samankar contact number diya jaisi se study center jo mane head rochanti ta samankar contact number bhi seti available achi jo mankar kichi doubt rahi dio samane seti contact kariki nijara doubt clear kari paribe jo mane graduation with honors kariyo chaun jo year re takar 148 credit rahibo samane clear koriyaku padibo assignment bhi rahibo prati year re 25% weightage re diya achi eti assignment ko 75% or main exam ko jota ki tar exam re jo mark rahibo taku 75% weightage diya jibo assignment re rahibo 25% IGNOU re kintu kon hotla na IGNOU re 30% weightage diya jathula assignment ko au 70% weightage diya jathula exam re jo result hotla taku IGNOU re admission available di time re thila jota ki amar gute rahuchi july re rahuchi a gute rahuchi january session gute december re jota rahuchi osu re kebal gutie session le admission kara jauchi june session osu jo class karuchi 4 ghantiya class kara generally weekend re Sundays रे करे 4 घंटिया क्लास करे निजो स्टडी सेंटर रे अपन क्लास करि परिबे वीडियो लेसन मध्ये से माने प्रोवाइड करचंती जो माने करो स्टडी रे किछि हेल्प दरकार से माने वीडियो लेसन्स प्रोवाइड करचंती एंड्राइड एप अवेलेबल अछि ता सह स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेशन करी जो माने स्टडी करियो चाहचंती करि परिबे नेक्स्ट कथा हला जो सब्जेक्ट चूज करे अछि सब्जेक्ट जो माने चूज करियो चाहचंती किए ऑनर्स करियो चाहची किए जनरल करियो चाहची तो इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करे बारे अपन जेतर फॉर्म फिल अप करिवे सेति काल अपन ऑप्शन आसी जियो जे को ऑनर्स अपन क्यों चाहूं चोदी जो दी हिस्ट्री ऑनर्स रखियो चाहूं चोदी तो हिस्ट्री करते हुए जो दी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को रखियो चाहूं चोदी तो पॉलिटिकल साइंस करते हुए जनरल ले करियो चाहूं चोदी तो से ऑप्शन भी अवेलेबल हो ची तो समाने जनरल ले मध्य करी परी में पीएससी नहीं किंबा एजुकेशन ऑनर्स नहीं कहना से माने प्रैक्टिकल अवेलेबल करो नहंती तो जे माने साइंस रे करियो चाहो जति से माने IGNOU को प्रेफर करि परिबे डीडीसी रे जनरली असाइनमेंट सिस्टम न थाए किंतु ता प्राइस ठीक अधिक थाए किंतु ओएसयू रे IGNOU रो जो भला प्राइस रहउची ओएसयू रे मध्ये से भला प्राइस रहउची 3000 पर ईयर रहउची ग्रेजुएशन पई तो बाकी रहला मीडियम कथा जो माने मीडियम चूज करियो चाहो जति उड़िया मीडियम नेबे ना इंग्लिश मीडियम नेबे ना हिंदी मीडियम नेबे तो जे कोनो से हमें जेता एडमिशन करिबा जदि हमें ता कोर्स को जाके देखिबा तो आपण एडमिशन करिया आगुरु जो कोर्स माने अवेलेबल करौछंती सेठी की जानतु सेठी आई बटन जो राइट साइड रे अछि सेठी जाई देखंतु यदि आपण क्लिक करिवे हिस्ट्री ऊपर त कोर्स रो पूरा डिटेल आ जियो जे के कोऑर्डिनेशन हेड रे अछि काहा को कांटेक्ट करिवे कोठी मेल करिवे पूरा डिटेल्स हो से दे जाबते यार क्वालिफिकेशन कोन दरकार ए कोर्स करिया पई ता सह एहा को मीडियम रे अवेलेबल अछि हिस्ट्री ता जदि देखिवे से उड़िया मीडियम रे अवेलेबल करौ नाते हिस्ट्री रो केवल इंग्लिश मीडियम रे भी अवेलेबल करौछंती तापर जे देखिवे पॉलिटिकल साइंस रे केतु से उड़िया मीडियम रे अवेलेबल करौछंती इंग्लिश मीडियम रे मध्य अवेलेबल करौछंती जो माने उड़िया ऑनर्स रे करियो चाहौछंती से माने उड़िया ऑनर्स रे मध्य करिबे ओएसयू रे किंतु एमए रे कोन होउची ना एमए रे ओएसयू हिस्ट्री रे उड़िया मीडियम अवेलेबल कराउ जी बीए रे अवेलेबल कराउ नहीं ग्रेजुएशन ले अवेलेबल कराउ नहीं उड़िया मीडियम किंतु मास्टर्स रे उड़िया मीडियम हिस्ट्री रे अवेलेबल कराउ जी तो एभले किसी सब्जेक्ट अछि तो आपन चूज सब्जेक्ट चूज करबे आगुरु आगे प्रॉपर देखो तो जो आई बटन अछि जेटी क्लिक करी देखो जे जो सब्जेक्ट आपन चूज करियो चाहौ छथि जो मीडियम रे करियो चाहौ छथि से सब्जेक्ट अवेलेबल अछि कि नहीं ता मीडियम अवेलेबल अछि कि नहीं यदि न अछि ताने आपन डीडीसी प्रेफर करि परबे काने डीडीसी जनरली उड़िया मीडियम रे प्रेफर करू छै आ से उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे सर्टिफिकेट दबो समस्त यूजीसी अंडर रे आसु छथि तो अवेलेबल होय जे यास वैल्यू अधिक ता वैल्यू कम IGNOU रे हमें देखो जे असाइनमेंट डिपॉजिट पई सर्टेन टाइम दिया जाय था जेतु ओएसयू रे कोन होछि ना प्रेफरेबली कोर्स अनुसार से माने प्रोवाइड करनती जे एई कोर्स अनुसार आपन एई टाइम रे आपणकर जो असाइनमेंट अछि सेही टाइम रे डिपॉजिट करियाकू पडियो जो कोर्स आपण नै छथि सेही कोर्स रो देखि नियंतु जे को डेट रहू छै हमर फाइनल डेट सेही डेट पूर्वरु असाइनमेंट डिपॉजिट करियाकू हबो जदि आपण असाइनमेंट क्वेश्चन देखिबे त देखिबे हिस्ट्री रे केवल इंग्लिश मीडियम रे ही असाइनमेंट क्वेश्चन अवेलेबल अछि किंतु अलग कोर्स जो रहू छै से माने इंग्लिश मीडियम सह उड़िया मीडियम क्वेश्चन भी अवेलेबल करौ छथि जोटे के आमे सेते सेटि देखिले जे हिस्ट्री टा केवल इंग्लिश मीडियम रे अवेलेबल अछि ग्रेजुएशन ले जदि देखिबा एमए देखिबा
ଯୋଉଟାକି ମାଷ୍ଟର୍ସ ରହୁଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଏଭେଲେବଲ କରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇଟିରେ ଆସୁଛି। ସେଭଳିଆ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ବି ସେଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଏଭେଲେବଲ ଅଛି। ବାକି ରହିଲା ଫିଜ୍ କଥା, ଫିଜ୍ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି କ୍ଲିଅରଲି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ କେତେ ଫିଜ୍ ଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି। ମାଷ୍ଟର୍ସ ପାଇଁ 5000 ପର୍ ଇୟର ଜେନେରାଲି ରହୁଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 3000 ପର୍ ଇୟର, ପର୍ ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ରହୁଛି। 6 ସେମିଷ୍ଟର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଡିଟେଲ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ସେମିଷ୍ଟାର ହବ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡମିସନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାମ ଫି ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 300 ଟଙ୍କା ନା 400 ଟଙ୍କା କେତେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ଫି। ତ ବେଟର ହବ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରର ଡିଟେଲ ଦିଆଯାଇଛି ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ସେଠି ତାଙ୍କ କୋଡିନେଟର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପର୍ସନ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ ଯେ କୋଉ କୋର୍ସ ଉପରେ କିଭଳିଆ ଫାସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ ରହୁଛି, ଆଉ ଡିଟେଲ ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଭିଡିଓ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।